वेलकम जी, इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि क्विक्स को यूज़ करते हुए एक पेज में रेप्लिकेट करूंगा, एक पेज को मैं कॉपी करूंगा ताकि आपको ज़रा क्विक्स का जो है आइडिया हो जाए। सो यहां पर मैं एक वेबसाइट ओपन करने लगा हूं। इस वेबसाइट को हम अभी देखते हैं कि किस तरह से हम इसको थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाले अभी मेन्यू बार की हम बात नहीं करने, मेन्यू बार को हम बाद में देखेंगे, हम पेज को करते हैं। सो ये एक पेज है। इस पेज में यहाँ पर हमारे पास एक तस्वीर नज़र आ रही है, उसके बाद ये दो कॉलम्स है, दो कॉलम्स में हमें कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तस्वीर नज़र आ रही है और नीचे कुछ इमेजेस हैं। उसके बाद ये अगेन ये अब बना हुआ है वर्डप्रेस के किसी पेज बिल्डर से, ठीक है, एलिमेंटर उसका नाम है। तो ये हो सकता है ये फंक्शनैलिटी हमारे पास इसमें तो ना हो, लेकिन हम इसकी जगह कुछ और यूज़ कर लेंगे क्विक्स में, ठीक है। उसके बाद ये एक ही इमेज है, ये अगर आप इस इमेज को मैं अलहदा करूँ तो ये एक ही इमेज है। इसको मैं इधर ओपन करूँ तो वो लग ऐसे रहे कि हमने चार यहाँ पर कॉलम्स में ये एक 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 इमेज रखी है। उसके बाद कुछ ये पेज का हिस्सा है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा इसको हम कॉपी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मैं अपने क्विक्स के डैशबोर्ड पर जाऊंगा। क्विक्स के डैशबोर्ड पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू पेज पर क्लिक करता हूँ। ओके, न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद मैं पेज का टाइटल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं अबाउट, और ये उसकी सेटिंग्स है, पेज की सेटिंग्स यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं पेज को मेगा मेन्यू के साथ, और यहाँ पर कुछ उसकी दूसरी सेटिंग्स हैं, ऑप्टिमाइज इमेज वगैरह। सो यहाँ से अब मैं ऐड सेक्शन करता हूँ। सबसे पहले मुझे एक ये पूरा सेक्शन चाहिए। उस सेक्शन की मैं कुछ सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ कि स्ट्रेच कर दो, फुल विड्थ सेक्शन हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टाइल में स्पेसिंग वगैरह को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो पैडिंग टॉप है इसको मैं फ़िलहाल ज़ीरो कर रहा हूँ कि टॉप से पैडिंग जो है वो ज़ीरो हो। ओके, उसके बाद मैं इसमें एक नया एलिमेंट जो है वो ऐड करता हूँ, और ये एलिमेंट क्या होगा, एक इमेज होगी, और यहाँ पर जो मैंने इमेज लगानी है वो बेसिकली ये इमेज है। तो मैं यहाँ पर इसको अपनी साइट पर स्टोर करने की बजाय इसका लिंक ले रहा हूँ, और लिंक यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ, इसका अल्टरनेटिंग टेक्स्ट दे देता हूँ। अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है यम यम नॉरिश लोगो, और इसका कैप्शन कोई नहीं है, इमेज रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, इमेज को मैं लिंक किसी चीज़ के साथ नहीं कर रहा। स्टाइल्स में हम जाते हैं और इसकी अलाइनमेंट को सेंटर में कर देते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपने पेज को प्रीव्यू करते हैं। सो ये इतना पेज मेरा जो है वो डिज़ाइन हो गया। ये हमारा ओरिजिनल पेज था, ठीक है, इतना पेज डिज़ाइन हो गया। बिल्कुल 100% उस तरह से कॉपी नहीं होगी क्योंकि उसमें टेम्पलेट मुख्तलिफ है, लेकिन हम मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि आपको ये क्विक्स में दूसरे कंट्रोल्स ज़रा यूज़ करने आ जाए। नेक्स्ट, इस पेज को हम यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ कंटेंट है। इस कंटेंट में अगर हम देखें तो दो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एड न्यू रो करते हैं और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज ऐड करेंगे। इस इमेज का लिंक मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, और ये हमारी इमेज का लिंक है, और इसको यहाँ पर हम रख लेते हैं। ये हमारी इमेज आ गई, ओके, दैट्स फाइन। इमेज रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ओके। स्टाइल्स में हम जाते हैं, इसकी अलाइनमेंट हम सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो मैं सेंटर रख रहा हूँ और इसको मैं कुछ बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट ये मैं चीज़ें कुछ खुद ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किधर से देखनी है, ठीक है। मैं बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर मैं सॉलिड दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये ब्लैक कलर नहीं चाहिए, तो मैं बॉर्डर का कलर जो है वो क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इन कलर्स के अलावा यहाँ पर जो शो हो रहे हैं कोई और कलर चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा,
ये यहाँ पर क्लिक करूँगा, वहाँ पर मैं उसका हेक्स कोड भी दे सकता हूँ और RGBA वैल्यू भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने बेसिकली बॉर्डर इसलिए लगाया क्योंकि मैं बॉर्डर को कोई रेडियस देना चाह रहा था, ठीक है। और रेडियस मैं किस तरह से दे सकता हूँ, मुझे पहले बॉर्डर उसके लिए लगाना है। तो रेडियस मैं देता हूँ, यहाँ से इसको इंक्रीज़ करता हूँ और कोई 20 का रेडियस देकर मैं लिंक करना चाह रहा था। चलें 20, ये चारों तरफ से 20 का रेडियस हो गया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होती है बॉक्स शेडो, के उसका शेडो नज़र आए या ना। तो ये इस तरह से अगर मैं इसका कलर ब्लू किया तो आपको नज़र आ रहा है कि ये बॉक्स शेडो क्या चीज़ है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसको बैक ये ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद ये आइकॉन है, आइकॉन अगर आप रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप आइकॉन रख सकते हैं, मुझे आइकॉन नहीं चाहिए ना ही। हाँ, अब आ गई है कैप्शन। कैप्शन क्या होती है, जो इमेज के नीचे शो हो रही होती है, ठीक है। ये ठीक है, कैप्शन इमेज के नीचे शो होती है और कैप्शन का जो टेक्स्ट है वो अब हमने यहाँ पर सेट करना है। ये उसके मार्जिन वगैरह है, ठीक है, ये उसकी फॉन्ट वगैरह है और ये उसका टेक्स्ट शेडो वगैरह, ये बैकग्राउंड टाइप, इमेज आ गया, बॉर्डर टाइप वगैरह आ गया, लेकिन ये कैप्शन हम सेट किधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे। और कैप्शन क्या है, यहाँ पर जो लिखा होगा हम वो लेंगे, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ये कैप्शन भी हमारे पास आ गया, ओके, वेल एंड गुड। अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाला एलिमेंट ऐड करता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैंने जानबूझ के हेडिंग नहीं कॉपी की, सिर्फ टेक्स्ट कॉपी किया, ओके। ये मेरे पास आ गया टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को हम एक मिनट, इसको मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ, इसकी अलाइनमेंट हम इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे, साथ जस्टिफाई भी करेंगे, ओके। और स्टाइल में अगर मैं जाता हूँ तो इसकी अलाइनमेंट मैं लेफ्ट साइड पर रखता हूँ या ओके, लेफ्ट साइड पर रखूँगा, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके। तो अभी देखें कि ये जो टेक्स्ट है ये ज़रा हमें सही नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू में हम जाके इसको देखते हैं कि ये टेक्स्ट हमें इधर नज़र आ रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा राइट साइड से मुझे पैडिंग मिले, ठीक है, थोड़े से मुझे राइट साइड से पैडिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसके एडिट करूँगा, इसके स्टाइल्स में जाऊँगा, यहाँ पर स्टाइल्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर तो ये टाइपोग्राफी वगैरह दी हुई है, यहाँ पर पैडिंग वगैरह नहीं दी हुई। एडवांस पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर हमारे पास पैडिंग है, पैडिंग मुझे चाहिए राइट से। सो राइट से मैं फॉर एग्जांपल कुछ पिक्सल्स यहाँ से मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 40 की पैडिंग मुझे चाहिए या फॉर एग्जांपल 60 की पैडिंग मुझे चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा इधर जाकर देख लेता हूँ और इसको मैं मज़ीद कर रहा हूँ 80 की पैडिंग, इसको कह रहा हूँ, ठीक है। 80 की पैडिंग इसमें ऐड करके हम इसको सेव करके दोबारा से देखते हैं, इसको हम सेव करते हैं और इसको हम प्रीव्यू करते हैं, और प्रीव्यू करके हम देखते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है और यहाँ पर ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ओके। अब इस टेक्स्ट के ऊपर एक हेडिंग थी, अब हम वो हम हेडिंग ऐड करते हैं। हेडिंग किस तरह से ऐड करनी है, मैं यहाँ से ऐड न्यू एलिमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग, और ये मेरे पास एक हेडिंग आ गई है। और हेडिंग में हम जो कंटेंट है वो यहाँ से लेंगे, वेबसाइट से, ये है, इसको हम इस तरह से कर देते हैं और इसको हम अप्लाई करते हैं। अब इस हेडिंग को थोड़ा सा मैंने एडिट करना है, सबसे पहले तो मुझे इस हेडिंग को ऊपर लेकर जाना है। तो ऊपर में कैसे लेकर जा सकता हूँ, ये आपको हैंडल नज़र आ रहा है, ये चार एरो मूव, इसको यहाँ से मैं मूव कर दूंगा इधर, ओके। हेडिंग आ गई, ऊपर आ गई, अब हेडिंग को मैंने सेंटर करना है, इसका टेक्स्ट सेंटर करना है। तो स्टाइल में मैं जाऊँगा, यहाँ पर अलाइनमेंट होगी, अलाइनमेंट इसकी होगी सेंटर, ओके। कलर वगैरह अभी हम नहीं देख रहे, इसको हम ज़रा सेव करते हैं।
सेव करके हम इसको प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये जो लोगों के दरमियान और ये जो नीचे रो है इसके दरमियान गैप बड़ा कम है। तो हम क्या करेंगे, हम गैप ऐड करने के लिए ये वाला जो रो है, ये वाली जो रो है, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पर ऐड जो जस्ट अ मिनट इसकी जो सेटिंग्स में जाके हम मार्जिन जो है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। टॉप से हम मार्जिन कुछ रख देते हैं, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स, और इसको हम सेव करते हैं। 20 पिक्सल वुड बी इनफ। इसको हम सेव करके प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू खुद ही हो जाएगा। सो अब ठीक है, थोड़ा सा कोई 5 पिक्सल और मुझे चाहिए। 5 पिक्सल की पैडिंग इसमें मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ। इसको मैं ज़रा बाकियों को क्लोज़ कर दूँ। सो रो सेटिंग्स में मैं जाता हूँ और यहाँ पर हम 5 पिक्सल्स की मार्जिन हमने मज़ीद ऐड कर दिया। ओके, अब मेरी रो ठीक होगी। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है कि इस वेबसाइट पर जो फॉन्ट यूज़ हुआ है, और ये मुझे किस तरह से पता चलेगा। ठीक है, फॉन्ट को अब मैं किस तरह से देख सकता हूँ, इसके लिए एक एक्सटेंशन है। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर, और यहाँ पर मैं जाऊँगा और एक्सटेंशन का नाम मैं लिखता हूँ व्हाट फॉन्ट। ठीक है, व्हाट फॉन्ट एक्सटेंशन है ये, ऑफर्ड बाय ये पता नहीं चाइनीज़ है कोई। ठीक है, व्हाट फॉन्ट इस तरह का इसका आइकॉन है, ये ऐड किया हुआ। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद मैं जाता हूँ और यहाँ पर इस एक्सटेंशन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं जिस टेक्स्ट के ऊपर हॉवर करूँगा ये बता रहा है कि ये टेक्स्ट इस फॉन्ट में है। अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ ना तो वो मुझे मज़ीद डिटेल बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेक्ट करें या क्लिक करें, वो बता रहा है कि सोर्स सेंस प्रो इज़ द फॉन्ट, 100 इज़ द वेट, स्टाइल इज़ नॉर्मल, कलर इज़ दिस एंड साइज इज़ दिस। ओके, अब मैं ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देता हूँ। मैं इस टेक्स्ट पर जाता हूँ, एडिट करते हैं हम इसको, और इसके स्टाइल में जाते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं, और यहाँ पर जाके हम लिखते हैं सोर्स सेंस प्रो। वेट हमने देखा था 100 है, लेकिन यहाँ पर 100 अवेलेबल नहीं है, हम 200 कर देते हैं। और स्टाइल इसका नॉर्मल था, साइज़ इसका कितना था, 18 पिक्सल, ये हम 18 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, और लाइन हाइट हम देखते हैं वो कितनी दी है, 27 पिक्सल। तो लाइन हाइट जो है, यहाँ से इसको पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको 27 पिक्सल्स कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर भी सेव करते हैं और यहाँ पर जाकर हम प्रीव्यू करते हैं, तो हमारा जो फॉन्ट है वो तो चेंज हो गया। ठीक है, अगेन मैंने ये बात की थी कि मैं बिल्कुल हम इसकी 100% कॉपी नहीं कर रहे, लेकिन हम द बेसिक मकसद क्या है इस ट्यूटोरियल का, ताकि मैं यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये है, और इसका फॉन्ट भी हम देख लेते हैं। इसका फॉन्ट क्या है जी, इसका फॉन्ट सोर्स सेंस प्रो है और 600 है, और कलर ये है, कलर हम यहाँ से इसको पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको एडिट करते हैं, स्टाइल्स में जाते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सोर्स सेंस प्रो। वेट को हम करते हैं, ओप्स, वेट को हम यहाँ से 600 करते हैं, और उसके बाद हमारे पास आ गया टेक्स्ट का कलर। कलर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैं वो वाला हेक्स कोड रख दूंगा, और ये मेरा टेक्स्ट कलर भी वही हो गया। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ओके, सीम्स फाइन। इसको हम एडिट करते हैं ज़रा, इसमें हम थोड़ी सी पैडिंग और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना, इसको मैं ज़रा ई एम में लेकर जाऊं और
10 EM पर करें 15, ओके सो 15 सीम्स टू बी फाइन, बट उससे हमारा जो हेडिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इसकी अलाइनमेंट हम यहाँ से अब क्या करेंगे, देखें ये चीज़ें जो हैं कुछ खुद एडजस्ट करनी पड़ती हैं। इसकी अलाइनमेंट अगर मैं चेंज करूँ राइट साइड पर लेकर जाऊँ, वो सॉरी टेक्स्ट से होगी, इस तरह से करें नहीं, अगर इस तरह से कर दें और इसको हम थोड़ा सा इधर को लेकर जाएं और उसके बाद हम इसकी ये जो था एलिमेंट के स्टाइल में इसको कम करते हैं, 5 पर ज़रा लेकर आता हूँ और यहाँ से हम इसको अप्लाई करते हैं। इसका इंडेंट जो है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, अगेन अगेन, तो अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है, सीम्स फाइन, लेकिन इमेज मुझे काफ़ी दूर लग रही है। तो इमेज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा राइट साइड पर ले आते हैं, एडिट करते हैं और इसकी अलाइनमेंट हम राइट कर देते हैं। दैट सीम्स टू बी फाइन, बट लेट्स सी कि ये जो चीज़ है हमें थोड़ी सी ऑड लग रही है, ठीक है। तो इमेज को हम उधर ही रहने देते हैं, इमेज को हम इधर ही रहने देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, सेव करके देखते हैं कि पेज पर किस तरह से दिखाई दे रहा है। सो पेज पर काफ़ी ज़्यादा गैप लग रहा है, बट सीम्स फाइन, सीम्स फाइन। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर एक इंडेंट इसका डिक्रीज करते हैं एंड दैट्स फाइन, इसको सेव करते हैं। सेव बच्चों, जब भी आप कोई स्टेप करो ना उसको सेव लाजमी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मिसाल के तौर पर अब ये वाला टेक्स्ट है, इसकी भी हमने क्या करनी है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो इसको हम एडिट करेंगे, स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्शन के स्टाइल के हैं। कैप्शन में वो बता रहा है कैप्शन का कोई मार्जिन वगैरह है, उसकी पैडिंग है, उसकी फॉन्ट। सो फॉन्ट हमें क्या रखनी है यहाँ पर, सोर्स सैंस प्रो, उसका वेट 200, उसका साइज 18 पिक्सल्स, ओके। सो अब ये अगर आप देखें तो ये इमेज, ये जो टेक्स्ट है, मैं साइज देख लूँ इधर इसका क्या है, साइज है इसका 17 पिक्सल, ओके। सो पहले मैं इसको 17 पिक्सल करता हूँ, 17 पिक्सल्स, ओके दैट्स फाइन। लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो लेटर स्पेसिंग है इसको मैं कम कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ और अब मुझे ये बेहतर लग रहा है। और इसी तरह से हम इसको इस एलिमेंट, अगर आप इमेज को कोई मार्जिन वगैरह देना चाह रहे हैं इस तरह से आप दे सकते हैं, पैडिंग वगैरह देना चाह रहे हैं तो पैडिंग वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। राइट साइड से या हर साइड से ये आप यहाँ पर सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद ये एक एनिमेशन का ऑप्शन है कि जब शो हो तो क्या आप कुछ इस तरह से इस पर एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके यहाँ से डिले को भी बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 सेकंड लेगा, ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ, ये स्केल डाउन हो रहा है, ये 3 सेकंड चार जो है 3.4 सेकंड के बाद ये अपीयर होगी। सो इसको हम ज़ीरो रहने देते हैं यहाँ पर और एंट्रेंस एनिमेशन हम चलें फेड कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, ओके। सो हम कह रहे हैं कि हमारा ये सेक्शन भी हो गया, इसको हम यहाँ से ये क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दो पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को, पिक्चर्स लगाना हमें आ गई हैं, तो मैं इन पिक्चर्स को स्किप करके कोई और एलिमेंट पर आती हैं, ये जिसको हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन अकॉर्डियन। तो इसकी स्पेस पूरी है और इस पर जो एलिमेंट है उसको हम कहते हैं अकॉर्डियन,
ये ठीक है। और यहाँ पर आइटम है, पहली आइटम है, पहली आइटम को हम देखते हैं, व्हाट इज ईटिंग साइकोलॉजी कोचिंग, ये हम लिखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज ईटिंग साइकोलॉजी कोचिंग, ठीक है। उसके अंदर का टेक्स्ट अब हमने लिखना है, तो यहाँ से हम इसको, ओ सॉरी, यहाँ से मैं इसको एग्जिट कर दूँ फॉन्ट को, और ये टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, लेकिन इसके साथ हमारे पास कुछ दूसरी चीज़ें भी आ गई हैं, तो हम इसको सारा सेलेक्ट करके यहाँ से नॉर्मल पर क्लिक करते हैं। नॉर्मल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये है रेज, यस ठीक है। और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, टेक्स्ट जस्टिफाइड कर देता हूँ, दैट्स फाइन। ओके, ये पहला अकॉर्डियन हमने बना दिया। इसके हम टैब का आइकॉन भी दे सकते हैं अगर हम देना चाहें, ठीक है। ओ यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम ये लिंक कॉपी इमेज एड्रेस हम करते हैं, और यहाँ पर ज़रा देख के देखें कि हमारे पास क्या आता है। इसको हम सेव कर देंगे, सेव करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसको हाँ, सेव करके हम यहाँ से जाते हैं यहाँ पर, और हमारे पास ये आ गया है, बट वेयर इज़ द आइकॉन। लेट्स ओके, लेट्स सी इट कि ये किधर गया, आइकॉन किधर आता है, चलें वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर शायद, यहाँ पर भी बताना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं अगला आइटम इसमें ऐड करता हूँ। अगली आइटम यहाँ से हम ऐड कर देते हैं, अबाउट माई ट्रेनिंग इसका नाम है, इसको मैं कहता हूँ अबाउट माई ट्रेनिंग, और इसके अंदर का कंटेंट हम यहाँ से कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सेलेक्ट ऑल करके अरेज कर देते हैं, और इसको टेक्स्ट जस्टिफाई करके अप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ पर ये इस तरह से नज़र आ रहा है, दैट्स फाइन। मैं बाकी नहीं ऐड कर रहा, इट वॉज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये इस तरह से आप कोई और कंट्रोल यूज़ करके वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसकी हम सेटिंग्स में अगर जाएं तो ये बिहेवियर है, अलाउ ऑल आइटम्स टू बी क्लोज्ड, क्लोज फर्स्ट आइटम, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, अभी जो था वो शायद फर्स्ट आइटम बाय डिफ़ॉल्ट ओपन था, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट आइटम बाय डिफ़ॉल्ट ओपन था और सेकंड आइटम जो है क्लोज था, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो क्लोज हों। यहाँ पर ये बिहेवियर है, यहाँ पर इसका आइकॉन है, आइकॉन हम यहाँ पर ऐड करके चलें देख लेते हैं। यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं हम इसका, एंड लेट्स सी, ये आ गया अप्लाई, इट्स नॉट अपीयरिंग, ये मुझे ज़रा देखना पड़ेगा ये अपीयर क्यों नहीं हो रहा। लेकिन खैर, अभी हम स्टाइल्स को देखते हैं। इसके स्टाइल्स में मार्जिन वगैरह मुझे नहीं रखना, ये बेसिकली मार्जिन एक है, अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो ये इस तरह से इकट्ठे आ जाएंगे। बॉर्डर टाइप अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर की विड्थ यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर रखनी है या नीचे को विड्थ रखनी है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको नन कर रहा हूँ। उसके बाद बॉक्स शेडो वगैरह दे सकते हैं, ये टाइटल, टाइटल बेसिकली जो आपको इसके अंदर ये नज़र आ रहा है इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसका फॉन्ट हम चेंज करके ज़रा वही ले जाते हैं, सोर्स सैंस प्रो, एंड दैट्स फाइन। उसके बाद ये बैकग्राउंड का कलर है, इसको हम ये ग्रीन कर देते हैं, और टेक्स्ट के कलर, जो टाइटल का कलर था, टाइटल के कलर को ये है, इसको हम फॉर एग्जांपल यस यहाँ से वाइट कर देते हैं, अप्लाई करते हैं,
और उसके बाद ये एक्टिव एक्टिव बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कि जब एक्टिव हो तो उसका कलर फॉर एग्जांपल ये हो जाए। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हम जाते हैं तो ये जब एक्टिव होगा तो इसका कलर चेंज हो गया, जैसे वो डीएक्टिवेट होगा उसका कलर वापस वही हो जाएगा, ठीक है। सो ये था एकॉर्डियन। अब हम इसको कुछ और इसमें ऐड कर लेते हैं। ये इमेजेस, अगेन इमेज आपने ऐड कर लिया, लेकिन हम यहाँ से कुछ नया इसमें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कैंसिल करता हूँ, एक नई रो ऐड करता हूँ, और इस रो में हम क्या करें, यहाँ से हम देखते हैं, चलें ये वाला एक बनाते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा बनाते हैं। तो ये हिस्सा इस तरह से है कि लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा कंटेंट है, राइट साइड पर कम है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पर हमारा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट का एलिमेंट हम ऐड करते हैं। नो, टेक्स्ट से पहले एक हेडिंग का एलिमेंट है, सो पहले हम हेडिंग, यहाँ पर एक ये एडवांस्ड हेडिंग भी है, ठीक है, एडवांस्ड हेडिंग कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसको आप बड़ा फैंसी सा जो है इसको तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको आप इसके साथ खेल कर देखिएगा। मैं इसको कैंसिल करके ज़रा रिमूव कर रहा हूँ, हमें अभी ये नहीं चाहिए। सो यहाँ पर एक एनिमेटेड हेडिंग भी है, और एनिमेटेड हेडिंग कुछ इस तरह से है, नीचे आपके इस तरह से जिगजैग लाइन वगैरह शो करवा सकते हैं, डबल लाइन शो करवा सकते हैं, सर्कल शो करवा सकते हैं, ये एनिमेटेड हेडिंग है, लेकिन मुझे अभी ये भी नहीं चाहिए। सो आई नीड सिंपल हेडिंग, और सिंपल हेडिंग यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, और हेडिंग यहाँ पर जो थी रिट्रीट एंड प्राइवेट इवेंट केटरिंग, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर रखने के बाद सो इसकी अलाइनमेंट को हम सेंटर करते हैं, अलाइनमेंट को सेंटर करके कलर हम इसका ये वाला रख देते हैं, और उसके बाद हम टाइपोग्राफी में जाके इसके फॉन्ट को हम सोर्स सैंस प्रो पर ले जाते हैं, वेट को हम 600 कर देते हैं, अब 600 कर देते हैं, और ये हमारा 600 वेट हो गया, ठीक है, साइज इसका ये बिल्कुल ठीक है। अब इसी रो में मैंने एलिमेंट ऐड करना है, तो इसी रो के अंदर मैं इस एलिमेंट के नीचे ये क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं कहूँगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें टेक्स्ट देना होगा, ये हमारा सारा टेक्स्ट है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और क्या करते हैं कि इसको हम कहते हैं कि भैया आप यहाँ से जस्टिफाई हो जाओ, जस्टिफाई हो गए, और उसके बाद हम इसके जाते हैं टाइपोग्राफी में, टाइपोग्राफी में जाने के बाद हम इसके जो फॉन्ट है उसको करते हैं सोर्स सैन प्रो, वेट 200, अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर वो इमेज आ रही थी, अच्छा इस टेक्स्ट को ना थोड़ी एडिट करने की ज़रूरत है, इसकी मैं फॉर्मेटिंग क्लियर करने लगाऊँ, क्लियर करके अब मैं इसको करूँगा जस्टिफाई, और यहाँ से स्टाइल्स में जाके इसके साइज़ को हम कर देंगे 17 pixels, इसको अप्लाई करेंगे, इसको सेव करते हैं, ज़रा देखते हैं कि ये क्या यहाँ पर इसी तरह से शो हो रहा है कि यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब इस गड़बड़ से हमें निजात हासिल करनी है, किस तरह से करेंगे कि इस टेक्स्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि ये नॉर्मल है, यस ये अब नॉर्मल हुआ है, पहले ये किसी हेडिंग वगैरह में चला गया था। ओके सो इसके ऑप्शंस में हम जाएंगे, एडिट में हम जाते हैं, स्टाइल्स में हम जाते हैं, और इसको ज़रा हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इधर देखते हैं कि अब हमारा फॉन्ट ठीक हो गया, यस फॉन्ट ठीक हो गया, और फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ से लेफ़्ट साइड से थोड़ा राइट साइड की तरफ क्या चाहिए, एक पुश चाहिए, जिसको हम पैडिंग के ज़रिए कर सकते हैं। तो एडवांस्ड में मैं जाऊंगा, पैडिंग लेफ्ट
मैं इसमें ऐड करता हूँ कुछ इतनी, इट वुड बी फाइन आई गेस। यस, तो ये पैडिंग ऐड कर दी। पैडिंग ऐड करके मैं इस पर अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। इमेज ऐड कर देती हैं यहाँ पर। इमेज का यहाँ से ले लेते हैं एड्रेस, और एड्रेस लेकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इमेज भी हमारी ऐड हो गई। इसको पेज को सेव करते हैं। सेव करके हम इसको दोबारा से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इन अ वेरी क्विक टाइम हमने इसको बड़ी जल्दी से कॉपी कर ली है। आप सो बेसिक इस जो वीडियो का मकसद था कि थोड़ा सा मैं आपको ये क्विक्स में काम करके दिखा दूं कि काम चल किस तरह रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो आप कोई भी पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। आप SP पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, आप नाइस पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, गैंट्री यूज़ कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। मकसद हमारा ये था कि एक पेज बिल्डर का हमें पता चल जाए ताकि हम बाकी किसी को भी यूज़ करने के काबिल हो जाए, ठीक है। तो ये जस्ट एक शॉर्ट डेमो था, और मॉड्यूल किस तरह से ऐड करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जो क्लास वाला लेक्चर था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई जूमला का मॉड्यूल ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जूमला पर जाऊँगा, मॉड्यूल पर जाऊँगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लॉगिन फॉर्म शो करवा देता हूँ, ये सुपर यूज़र का आ रहा है, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ। जब यहाँ पर इस सुपर यूज़र को मैं लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इस तरह से ये भी शो हो जाएगा। तो यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट। ओके, एक और मैं चीज़ बता दूँ आपको। कोच बस हायर पर मैं जाता हूँ, इट्स टेकिंग टाइम। ओके, सो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मेन्यू में तो आइटम्स 1 2 3 4 5 छः छः आइटम्स हैं, लेकिन ये पेज सिंगल है, ठीक है। पेज सिंगल है तो वो जो आपको वेबसाइट मिली हुई है आप उसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इट इज़ रियली सिंपल। व्हाट यू हैव टू डू इज के ओके, अच्छा बच्चों एक काम पता है क्या कीजिएगा, ठहर जाओ, कि जब आप जुमला स्टार्ट करो ना, क्योंकि ये हम पेज बिल्डर पर काम कर रहे होते हैं तो ये एडमिन में आपने जाना है, ठीक है। और ये यहाँ पर कुछ कह रहा होगा एक्सटेंशन अपडेट करें, या उसको आप कहना नहीं हमने नहीं करनी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आपने जाना है। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आपने जो है अपना सेशन का जो टाइम है उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। सेशन का टाइम आपको इंक्रीज़ करने के लिए सिस्टम में जाना पड़ेगा, और ये सेशन सेशन की लाइफ टाइम 15 है ना, इसको आप 280 कर दें मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो वो लॉग आउट वाला मसला आपको नहीं देगा। ओके, तो हम वापस जाते हैं क्विक्स पर, डैशबोर्ड पर जाते हैं और अपने पेज पर जाते हैं। पेज 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 हमारा कौन सा था, ये वाला पेज था, यहाँ से देखते हैं, ये वाला हमारा अबाउट का पेज था। ओके, यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, इस रो को तो मैं डिलीट करने लगा हूँ, दिस डिलीट। ओके, तो यहाँ पर जो है ना, इस रो को मैं बस एक यहाँ पर आईडी देने लगा हूँ अपने मर्जी की, रिट्रीट इसकी आईडी मैं दे रहा हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद इसको मैं लिंक कर देता हूँ मेन्यू को, इसको मैं कहता हूँ या फॉर एग्जांपल मैं यम यम इसको लिख रहा हूँ यम, और मेन्यू जो है वो मेन मेन्यू है और क्रिएट मेन्यू मैं कर रहा हूँ। ओके, अपडेट मेन्यू में हम जाते हैं ज़रा, और यहाँ पर अगर मैं देखूँगा अपने प्रीव्यू में,
तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, ये बेसिकली पेज है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं एक यहाँ पर मज़ीद लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ, सो आई गो टू द मेन्यू आइटम एंड लेट मी गो टू द मेन्यूज, ऐड मेन्यू आइटम। मेन्यू आइटम की टाइप मैं क्या रखूँगा, यहाँ से हमारे पास है मेन्यू आइटम की टाइप्स में सिस्टम लिंक, ठीक है, यूआरएल हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यूआरएल में सेलेक्ट करके यहाँ पर अब मुझे लिंक देना है। ये लिंक मुझे किस तरह से देना है, ये लिंक हमने देना है, जस्ट अ मिनट, ये लिंक हमने देना है कि भैया यहाँ पर आओ, इसका एडमिन एक्सेस मैं आपको दिखा दूँ। सॉरी वो पेज ये है, ओके, सो ये था ना, ये वाली रो थी। इस रो की सेटिंग्स में हम जाते हैं, एडवांस में जाते हैं, लेबल इसका रो है, आईडी इसकी रिट्रेट है, सेव करता हूँ। और इसको अगर मैं सिंपल हैश रिट्रीट इसको लिखता हूँ, और मेन मेन्यू में इसको हम डाल देते हैं, लिंक टाइप, लिंक का टाइटल एट्रीब्यूट अगर आपने देना है, या यहाँ पर उसकी लिंक के अल्टरनेटिव वगैरह हैं कुछ, ठीक है, ये चीज़ें आपने देनी है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। लिंक की क्लास, मेन्यू टाइटल डिस्प्ले इन मेन्यू, लिंक एट्रीब्यूट या मेगा मेन्यू, या पेज टाइटल अगर आप अनेबल करना चाह रहे हैं इसका, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम इसके मेन्यू के टाइटल को हम क्या नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल रीट्रीट, ठीक है, और इसको हम करते हैं सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करके हम इसको दोबारा से सेव करके इसके प्रीव्यू में, ओ ये तो सेशन एक्सपायर हुआ है, इसको हम प्रीव्यू करते हैं, तो ये मेरे पास आया। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीट्रीट पर लेकर आ गया। अब आपका काम क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि लिंक किस तरह से करना है। आपका काम क्या है कि आपने इसको, अभी तो ये बड़ा ठीक चल रहा है लेकिन यहाँ पर ये तेज़ी से आ रहा है, इसको स्मूथ करने के लिए ना, स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए कोई एक्सटेंशन होगी तो आप वो ढूंढें और आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि सिंगल पेज में किस तरह से लेकर जा सकते हैं। होप सो ये आपके लिए यूज़फुल होगा। ओके जी, थैंक यू।